नमस्ते दोस्तों, कार 24/7 में आपका फिर से स्वागत है। आज वाली हमारे पास टोयोटा फॉर्चुनर। ये फॉर्चुनर गाड़ी अक्सर हम जब भी गाड़ी स्पीड में चलती है, कौन सी भी कंपनी गाड़ी हो, स्पीड में जब भी चलती है तो अक्सर हमारी गाड़ी के सामने कुत्ता या बिल्ली या सुअर आ जाता है। उसके कारण हमारा गाड़ी का काफ़ी नुकसान कर देता है। तो वैसा ही ये गाड़ी का नुकसान हो गया, तो वो तो बच गया, लेकिन इसका इंडिकेटर और इग्निशन लाइट का जो रहता है एक ही इसमें, जिसमें इंडिकेटर और इग्निशन रहता है इंडिकेटर, वो उसने तोड़ दिया है और पूरा ब्रैकेट के साथ अंदर गिरे वाला है। तो ये देख सकते हैं अंदर पूरा गिरे वाला है। तो ये बनाएंगे हम, शोरूम में बताए थे तो शोरूम में पूरा बम्पर रिप्लेस बोला था, बहुत तगड़ा खर्चा है, तो चलो बनाते हैं। दोस्तों, हम जब भी इम्पोर्टेड गाड़ी का काम करते हैं तो बैटरी टर्मिनल निकालना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें एयरबैग का भी रहता है, तो वो भी एयरबैग खुलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमको सेफ्टी के लिए पहले बैटरी का वायर निकाल के फिर बम्पर खोलने में लेना है, तो क्योंकि उसमें सेंसर रहती है। साइड के सामने की पट्टी है जो हमने खोल ली है, और ये देखिए ये साइड की खींच के पट्टी निकलती है, ये महंगी रहती है, उसको संभाल के रहना चाहिए। हमने ऊपर के भी वो वॉकर बटन खोल के निकाल दिए। अब सामने की पट्टी है, उसके दो चार सामने ऊपर के 10 के बोल्ट खोल दिए हमने, और नीचे दो रॉकेट बटन है वो भी खोल दिए, और पट्टी सीधी खींच के बाहर निकालने की, क्योंकि वो बहुत हार्ड प्लास्टिक रहता है, अगर वो खींचने खाँचने में रॉन्ग खींच गए तो वो टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर इतनी बड़ी जगह जाली है जो महंगी है, तो उसके लिए हमको बहुत ध्यान दे के खोलने का है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करने की। ये देखिए हमने खोल दिए, ये भी साइड में रख देने की क्योंकि हमारे बीच में ना आ जाए। तो ये देखिए हमने ऊपर के भी बोल्ट खोल दिए, नीचे के भी हमने पूरे उसके 10 के बोल्ट खोल दिए। अब इस साइड का हमने बम्पर का ब्रैकेट खोल रहे, तो ये देखिए साइड का बम्पर का ब्रैकेट हम कटा के बम्पर बाहर निकालने वाले। तो ये देखिए हमने बम्पर निकाले आ रहे, उसके कपलर निकालने वाले, फोक लैम्प का निकालेंगे, उसके सेंसर का निकालेंगे, और नीचे का इंडिकेटर का भी हम सॉकेट निकाल देंगे। और उसमें एक वायर का एक पुश बटन रहता है, जो वायर उसमें अटके वाला रहता है, तो वो भी हमको कटाने का है। इस साइड का मैंने वैसे ही कटाया, तो इस साइड का भी हमने कटा दिया। ये देखिए सब निकल गए, और ये ध्यान रखिए सामने आदमी खड़े रहना ज़रूरी है, बम्पर बड़ा है, अगर टूट गया तो सेंसर टूट सकता है, इसलिए ध्यान से खोलने का है, कुछ गड़बड़ नहीं करने की, ध्यान से खोलने का है। तो ये देखिए हमने सामने डैश पैनल भी खोल दिया था, उसका भी जारी टूटी वाली थी। तो हमको जब भी बम्पर का काम करने का है, ये देखिए तार से बंधे वाला था, बम्पर का जब भी काम करने का है तो हमको नीचे मैटिंग जाड़ी वाली मैटिंग डालने की, क्योंकि बम्पर पे नीचे क्रैशेस आ सकते हैं, तो ये बम्पर के क्रैशेस हम देख सकेंगे, इसलिए हमने मैटिंग डाल दिया है। तो अभी मामू हमारे फिट करेंगे। मामू ने अपना सामान बनाया वाला है, हीटिंग गन बोलते हैं और कंप्रेसर। ये देखिए हीटिंग गन है और उसका कंप्रेसर है जो मामू ने लगाया वाला है, इन्होंने हाथों से बनाया वाला है। तो मामू हमारे उधर परवनी कोई ना, ये तुम्हारा ये पसारा है कि हमने जिंदगी में पहली बार देखा अभी है। मोटर लाइन में हम भी 8-9 से, ये हमारे उधर आने को लगेंगे 6-1 साल। बहुत हो गया मगर मजा कर लेंगे काम। अभी देखिए देख सकते हैं बम्पर का ब्रैकेट जो हमारा स्क्रू के 8 इंच में अटके वाला था, तो वही हम उस पर मामू ब्रैकेट बनाने वाले, और वही से ही उसको ब्रैकेट बना के लगाने वाले। तो देख सकते वो देखिए पुराना उसके स्क्रू के साथ ही उकड़े वाला था, तो हमने स्क्रू निकाल दिया और ब्रैकेट दे दिया मामू के हाथ में, तो मामू वही ब्रैकेट लगा रहे, क्योंकि वो बोलते जो ओरिजिनल है वही अच्छा बैठता है, अगर नहीं रहा तो भी बनाते ब्रैकेट, मगर वो थोड़ा सा गैप आ जाते हैं, तो वो पुराना रहा तो बहुत एकदम परफेक्ट मैच होता है, तो इसलिए हम पुराना ब्रैकेट जब भी हमारा बम्पर टूटेगा तो पुराने ब्रैकेट के जो ब्रैकेट रहते हैं वो लाना ज़रूरी है। तो हमने इसका उसका उसकी जगह पे था तो हमने ला लिया। तो ये देखिए ब्रैकेट बनाया, चिपका दिया मामू ने। ये हमारे मामू हैं जो संभाजी नगर में महाराष्ट्र भारत में ये काम करते हैं, तो कभी भी आ सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके, तो हम आपका बम्पर बना लेंगे। ये देखिए और मजबूती के लिए मामू क्या कर रहे हैं, उसको एक पतरे की जाली है, बारीक पतरे की जाली है, तो वो कट करके उसके अंदर फाइबर प्लास्टिक में पूरा अंदर उस पर चिपका रही है, क्योंकि उसकी मजबूती अच्छी से और अच्छी, और उसका
ब्रैकेट भी मजबूत स्क्रू कसने के बाद मजबूत टिकना चाहिए, और उसके साइड के जो जगह रही थी उसको भी उसने पकड़ना चाहिए। तो इसलिए ये तार का ब्रैकेट आप पट्टी जाली है, वो पट्टी जाली है वो लगा के उसमें फिट कर रहे। तो ये देखिए उन्होंने, ये देखिए पूरा परफेक्ट काम करते हैं। बम्पर समझ में नहीं आता है कहाँ से टूटा वाला था और कहाँ से बन गया, विदाउट कलर जलना जुलना कुछ नहीं, खाली गर्म भाप से ही चिपकाते हैं। ये देखिए गर्म भाप से उन्होंने चिपका दिया। ये देखिए ब्रैकेट एक बन गया है हमारा, अभी हम दूसरा ब्रैकेट बनाने लेने वाले। तो देख सकते हैं साइड में भी पूरा पैक करते हैं जाली लगा के, क्योंकि उसकी मजबूती साइड से जैसे ही आ जाए। ये एक ब्रैकेट हमने बना दिया, ये दूसरा ब्रैकेट बनाना चालू है। अभी देखिए ऊपर से, ये ऊपर का भी ब्रैकेट उकड़े वाला था तो वो भी बना रहे। ये देखिए पहले से थोड़े से उसको फिक्स करते हैं, क्योंकि उसकी जगह एक बार बन गई तो फिर वहाँ पे उनको बनाना आसान जाता है। तो जैसे हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि हमारे गैस वेल्डिंग रहती है, वैसे ही वो फिट करते हैं। तो चलो देखते हैं परफेक्ट बैठा कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने एकदम राइट कंपनी जैसे फिटिंग बना दी है उसकी। अभी लगाएंगे स्क्रू, स्क्रू से भी उसको अच्छे से कस देंगे, क्योंकि उसके अंदर एक दूसरा गाला रहता है, उसके अंदर बैठ के फिर ये तीनों स्क्रू वहाँ पे फिट होते हैं। ये देखिए एक लगा दिया स्क्रू और दूसरे भी दो लगाएंगे। देखिए ये देख सकते हैं पूरे कैसा ब्रैकेट बनाए, देखिए एकदम टाइट ब्रैकेट बन गया है। या अभी टूटेगा नहीं ब्रैकेट, जम से मार रहेंगे तभी टूटेगा, ऐसा आसानी से नहीं टूटता है। तो यही फाइबर वेल्डिंग की या प्लास्टिक वेल्डिंग की खासियत है। तो ये बम्पर हमारा तैयार हो गया है, तो हम देखेंगे अभी इंडिकेटर लगा के। ये देखिए एकदम टकाटक इंडिकेटर एकदम परफेक्ट हो गया है, ये हमारी गाड़ी हो गई है। तो चलो, तो ये काम हमारा कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। पैसे बचाने होगा तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।